हवाई एशिया सम्मेलन आज वर्चुअली शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। दिवाली से पहले योगी सरकार का तोहफा, बोनस और महंगाई भत्ता एक साथ, जल्द हो सकती है घोषणा। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों की करेंगे मदद, देंगे 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। जालेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अब भी बरकरार, 24 घंटों में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज, 585 संक्रमितों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं एक पार्टी बना रहा हूं, अब ये सवाल है कि पार्टी का नाम क्या है, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये मैं खुद नहीं जानता। जब चुनाव आयोग पार्टी के नाम और चिन्ह को मंजूर करते हैं मैं आपको बता दूंगा। बता दें कि कैप्टन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और अगर 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के हित में कुछ समाधान निकलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 के चुनाव में सीटों के समझौते के लिए भी तैयार है। फिलहाल अब उन्होंने पार्टी का ऐलान कर दिया है, इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। कोई गल नहीं असी छड़ी पंजाब दे विच जिहड़ी असी नहीं कीते, चाहे सड़कां दी होण, चाहे रिपेयर्स होण, चाहे जो मर्जी होए। इंडस्ट्री मेरा टारगेट सैट कीता सी कि मैं 1,00,000 करोड़ रुपये की इंडस्ट्री लियाना चाहुंदा पंजाब दे विच, बिकॉज दो आपां एग्रीकल्चर स्टेट हैं, इंडस्ट्री बगैर नहीं चल सकता। वी आर मॉडर्न वर्ल्ड नाउ, और मॉडर्न वर्ल्ड दे विच आपां नूं इंडस्ट्री वगैर जिथे नौकरियां होण, जिथे इकोनॉमी जनरेट होए, जिथे टैक्सेशन कम्स टू द एक्सचेकर वगैरह, सारियां चीज़ां उहदे नाल संबंधित सीआं। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट जदों मैं सरकार छड्डी है, वी हैड ऑलरेडी डन नियरली 96,000 करोड़, एंड आई थिंक जब तीन साल मुकूगा 1,00,000 करोड़ तो उपर टप जाएंगे आप। नॉर्मली द पोस्टिंग ऑफ BSF बटालियन इज 2 ईयर्स। Not only I didn't say that, I went to Delhi and I met Mr. Advani, was Home Minister then. And मैं उन्होंने कहा सी कि तुसी ये 2 साल तो 1 साल तक कर दियो, बिकॉज ताकि जब रेंजर्स और BSF आर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे गेट टू नो ईच अदर एंड दे कैन बी कोलैबोरेशन इन मूवमेंट ऑफ ड्रग्स एंड ऑल। ये ड्रग्स के बारे में कहा सी एंड वी शुड सम हाउ द अदर कीप दिस, ये अपन ध्यान रखना चाहिए। Then Mr. Advani ne mainu chitthi likhi ke we have looked into this, the cost factor is too much, that instead of doing a rotation of a unit every 2 years, we 1 year we have to do it 2 years because the cost is too much. Even in the military army we do it 2 years, so similarly is the case ede vich vi Punjab BSF has also been done 1 year. Main ohde naal sehmat nahi si, मैं उन्होंने कहा सी कि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज इंपॉर्टेंट कि तुसी देखो, बट देन दैट इज दैट इज। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव बुधवार को राज्य में 2 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे चुनाव प्रचार को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। लालू प्रसाद भले ही 6 साल बाद किसी चुनाव प्रचार में करने के लिए मंच संभाल रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उनके विरोधियों ने उन पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने लालू प्रसाद के चुनाव प्रचार में जाने से पहले ही उन पर निशाना साध दिया था। हालांकि लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं, लेकिन चिकित्सकों से सलाह के बाद वो दिल्ली से पटना पहुंचे और अब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लालू के चुनाव प्रचार में जाने के पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि आज भ्रष्टाचार, जंगल राज, दलित नरसंहार सहित कई मामलों पर लालू भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आज ये बता रहे हैं कि घोटाला कैसे किया जाता है, दलित नरसंहार की जरूरत क्यों पड़ी, 15 साल का जंगल राज बिहार के लिए क्यों जरूरी था, दलितों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया। इधर जदयू के नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने भी लालू प्रसाद पर सियासी हमला बोला है। बता दें कि बिहार में कुशिस्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं। इन दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन ये आम चुनावों जैसा लग रहा है। करीब 6 साल बाद सियासी मैदान में लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही उन पर
लगातार तीखे हमले बोले जा रहे हैं। तो विरोधियों ने सियासी हमले तेज कर दिए हैं। तारापुर उपचुनाव को लेकर ये रैली और ये संबोधन लालू प्रसाद यादव का। तो सांप्रदायिक ताकतों के आगे हार नहीं मानी लालू प्रसाद यादव। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के तारापुर में लालू प्रसाद यादव की रैली शुरू हो चुकी है। तो बीजेपी से कभी कोई समझौता नहीं किया ना आगे करेंगे। सांप्रदायिक ताकतों के आगे हम हार नहीं मानेंगे। 6 साल बाद एक बार फिर से सियासी मैदान में लालू प्रसाद यादव और एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी को बिहार की जनता ने सीएम बनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की। ये तमाम बातें लालू प्रसाद यादव अपने संबोधन में बिहार की जनता के सामने रख रहे हैं। तो बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर ये रैली यहां पर निकाली गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गरीब के घर चूल्हे की रोटी खाने पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने चूल्हे की रोटी खाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मंगलवार की रात को सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के प्रचार के दौरान एक ग्रामीण के घर खाना खाने पहुंचे थे। इस दौरान एक महिला लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना बनाते दिखी। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में 17 साल से की सरकार है, लेकिन ना आज किसानों को खाद मिल पा रही है, ना ही सस्ती बिजली, और ना ही युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, और ना ही किसानों का कर्ज माफ हो रहा है। आज महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। शिवराज खुद चूल्हे में बनी रोटी खाकर मोदी को आईना दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में गहराए खाद संकट का जिक्र करते हुए कहा कि खुद को किसान हितैषी बताने वाले शिवराज सरकार में खाद का संकट भयावह हो चुका है। किसान एक एक बोरी के लिए परेशान हैं, रोज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जमकर कालाबाजारी भी की जा रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री का शिवराज सिंह चौहान पर वार नजर आया है। दरअसल यहां पर देर रात शिवराज सिंह चौहान एक गरीब के घर पहुंचे और यहां पर चूल्हे की रोटी खाते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर कमलनाथ ने निशाना साध दिया और कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे आईना दिखाया है। पंजाब में पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही बीजेपी चुनावी रणनीति और तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ में बड़ी बैठक करने जा रही है। पार्टी के पंजाब चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चुनाव से प्रभारी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और चुनाव से प्रभारी विनोद चावड़ा गुरुवार को चंडीगढ़ में दिन भर पार्टी के प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठकर चुनावी तैयारियों और रणनीति को लेकर संवाद कर सकते हैं। गुरुवार को दिन भर चलने वाले मैराथन बैठकों के दौर से पहले बुधवार शाम को भी चंडीगढ़ में चुनाव प्रभारी, सभी चुनाव सह प्रभारी, पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब के संगठन महासचिव सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी, जिसमें गुरुवार को होने वाली बैठकों के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में होने वाले बड़े नेताओं की बैठक में पंजाब के वर्तमान राजनीतिक हालात, खासतौर से पंजाब कांग्रेस में मचे बवाल और पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के फैसले के बाद बने राजनीतिक माहौल को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। वहीं अकाली दल के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी पहली बार अपने दम पर पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, इसलिए पार्टी आलाकमान तैयारियों और रणनीति को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो चंडीगढ़ में बीजेपी की कई बड़ी बैठकें होने जा रही हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी हो चुकी हैं। गुरुवार को ये बड़ी बैठक होगी, मैराथन रहेगा बैठकों का। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस जासूसी केस की जांच 3 सदस्यीय समिति करेगी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि लोगों की जासूसी किसी कीमत पर मंजूर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है और कमेटी को जांच करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया है। इस समिति की निगरानी शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन करेंगे और
कमेटी के अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी, डॉक्टर संदीप ओबेरॉय शामिल हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वो केवल ये जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के अलावा तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया या नहीं। तो एक बार फिर से पेगासस मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से सत्र के दौरान हमने देखा था कि लगातार विपक्ष इस मामले को उठाता हुआ नजर आ रहा था और कई बार इस मामले की वजह से जो संसद की कार्रवाई थी वो भी स्थगित करनी पड़ी थी। बीच में ही ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। इसमें इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी है और आखिरकार एक बार फिर से कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो 3 सदस्य समिति अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। 8 सप्ताह का समय दिया गया है। दिल्ली के ओखला स्थित फैक्ट्री में बुधवार की सुबह आग लगने की खबर सामने आई। आग लगने के बाद इलाके में भगदड़ का माहौल बना हुआ है। करीब 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगी हुई है। सुबह 7:26 पर दमकल विभाग को ओखला फेस 1 की एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत ही घटनास्थल पर 8 से 9 दमकल गाड़ियों को रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के बेसमेंट में गत्ते का काम होता है, वहीं ऊपर की ओर दफ्तर बने हुए हैं। गनीमत यह रही कि जिस वक्त ये आग लगी उस समय फैक्ट्री में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। में आगे लगने के जो कारण हैं वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और जानकारी मिल रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रही थी। आग पर काबू पा लिया गया है। आगरा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि भाजपा युवा विंग के एक नेता ने उनके खिलाफ कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने और सोशल मीडिया पर उससे संबंधित पोस्ट साझा करने के लिए शिकायत दर्ज की है। बता दें कि हाल ही में आयोजित T20 विश्व कप मैच में भारत को पड़ोसी देश से हार का सामना करना पड़ा था। मामले में SP नगर विकास कुमार ने कहा है कि बीजेपी युवा शाखा के नेता गौरव रजावत की शिकायत के आधार पर जगदीशपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। SP ने कहा कि इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को यह भी सूचना मिली है कि पाकिस्तान की जीत के साथ मैच समाप्त होने के बाद कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर राष्ट्र विरोधी संदेश लिखे थे। कॉलेज प्रशासन ने उन 3 छात्रों को निलंबित कर दिया जो हॉस्टल के साथ साथ संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे। छात्राओं से और छात्रावासों के डीन डॉक्टर दुष्यंत सिंह की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 24 अक्टूबर को हुए मैच के बाद छात्रों को पाकिस्तान के पक्ष में स्टेटस पोस्ट करने और अनुशासनहीनता के कारण कॉलेज से निकाला गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर एक और नया आरोप लगा दिया है। उनका कथित निकाहनामा पेश किया है, जिसके एक दिन बाद उनकी पत्नी और बहन ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। अपने ट्वीट में मलिक ने समीर दाऊद वानखेड़े की डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ पहली शादी के निकाहनामा और स्वीट कपल की शादी की तस्वीर पोस्ट की है, जो अंधेरी पश्चिमी में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में 7 दिसंबर 2006 को रात 8 बजे हुई थी। मंत्री ने कहा कि मेहर की रकम 33,000 रुपये थी। इस निकाह में दूसरा गवाह अजीज खान था, जो समीर दाऊद वानखेड़े की बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े का पति था। उन्होंने दोहराया कि समीर दाऊद वानखेड़े के बारे में खुलासे उनके धर्म के बारे में नहीं थे, जैसा कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी सहित कुछ तिमाहियों में चित्रित किया गया है। मंत्री ने घोषणा की है कि मैं उस फर्जी तरीके को सामने लाना चाहता हूं जिसके द्वारा उसने IRS की नौकरी पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और एक योग्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उससे भविष्य से वंचित कर दिया। बता दें कि वानखेड़े ने पहले कहा था कि उन्होंने और डॉक्टर कुरैशी ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था और बाद में उन्होंने मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर से शादी की थी। वहीं आगे बढ़ते रुख करेंगे गाजियाबाद का, जहां के डास्टा देवी मंदिर का ये पूरा मामला है। मंदिर के महंत यतीनंद सरस्वती ने गाजियाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ दिन पहले एक संत पर हमला हुआ था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हादसे के समय 22 पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तैनात थे। वहीं पुलिस वालों को CCTV फुटेज भी दी थी। उनका कहना है कि पुलिस वालों ने अखबार में बयान दिया है कि मंदिर के CCTV में
काम नहीं कर रहा है और पुजारी ने कहा है कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती और सिर्फ मेरी हत्या का इंतजार कर रही है। शासन ने उस बच्चे को जेल भेज दिया, निर्दोष बच्चा था वो। उसके पास फ्लिपकार्ट से डिलीवरी हुआ चाकू था, जो फ्लिपकार्ट से 150 रुपए में जो चाकू मिलता है ना, वो डिलीवरी होम डिलीवरी देखे देते, वो चाकू था उस बेचारे के पास। उसने खुद पुलिस वालों को दिया था कि भाई चाकू रख लो, मैं जाता हुआ इसे ले जाऊंगा, ये मैंने अपनी रक्षा के लिए कुछ वैसा रख रखा, कुछ उसकी वजह होगी कोई भी, तो वो ऐसा चाकू नहीं था जिस पर कोई मुकदमा बनता है। फ्लिपकार्ट से जिस चीज़ को फ्लिपकार्ट घर पर डिलीवरी देती है उस पर मुकदमा कैसे बन सकता है? फ्लिपकार्ट का वो बिल भी है, हम उसे कोर्ट में भी पेश करेंगे, वो बच्चा बिल्कुल निर्दोष था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद का डासना मंदिर, जहां पर मंदिर के महंत ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसकी हत्या की साजिश लगातार रची जा रही है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। तो यति नरसिंहानंद यहां पर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो डासना मंदिर के आसपास हर वक्त आपको पुलिस के कुछ कर्मी जो हैं वो जरूर नजर आएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे आरोप उन्होंने पहली बार लगाए हैं, इससे पहले भी इस तरह के आरोप वो लगा चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और गाजियाबाद से मेरे सहयोगी जितेंद्र गौतम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? गाजियाबाद का डासना मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, उतने ही फेमस यहाँ के स्वामी यति नरसिंहानंद, उनकी जान को खतरा है, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी वजह ये बताई गई है कि उनके मंदिर में ही कुछ एक व्यक्ति होता है और उसके पास चंपू होता है, लेकिन वो चंपू उसने ऑनलाइन खरीदा है, ऐसा उनका दावा है कि एक नामी ग्रामी कंपनी से उन्होंने ऑनलाइन खरीदा है जिसका बिल भी है, और वो चाकू ऐसा है कि किसी को मर नहीं सकता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन पुलिस का कहना है कि मंदिर के अंदर ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां आज गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के शहर के बल्लभ दास नगर मोहल्ले में निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जिला प्रशासन की ओर से कुर्क किया गया है। वहीं मामले में सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने कहा कि जिलाधिकारी ने निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की कार्रवाई की है। वहीं कुर्की की गई संपत्ति की अनुमति दी गई थी और उसके बाद कुर्की की गई और इसकी कीमत लगभग 84 लाख रुपए बताई जा रही है। गाजियाबाद की तस्वीरें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से जब्त कर लिया गया है और कुर्की भी की गई है। मुख्तार अंसारी की एक और संपत्ति को जब्त किया गया है, यानी कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी अब बचने वाला नहीं है। उसकी जितनी भी अवैध संपत्ति है उन्हें जब्त किया जा रहा है, उनकी कुर्की की जा रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के शहर के बल्लभदास नगर मोहल्ले में निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जिला प्रशासन की ओर से कुर्क किया गया। वहीं मामले में सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने कहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की कार्रवाई की गई है। वहीं कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 2,84,00,000 रुपए बताई जा रही है। श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी का जो ये DOD बल्लभ दास मोहल्ले में निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित है, इस निर्माण को आज कुर्क किया जा रहा है। सर कितने की संपत्ति होगा? PWD की रिपोर्ट के अनुसार इस निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मूल्य लगभग 2,84,00,000 रुपये है। गोंडा में करंट लगने से एक छठी कक्षा के छात्र की जान चली गई। वहीं मृत छात्र के परिजनों ने टीचर पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीचर ने बच्चे को मोटर पंप में बंद करने के लिए भेजा था, वहीं इसी दौरान बच्चे के करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों की तहरीर पर मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो गोंडा का एक पूरा मामला है जहां पर करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि टीचर ने मोटर पंप बंद करने के लिए छात्र को भेजा था और वहीं वो करंट की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।
कानपुर देहात के परिवहन अधिकारी और जनता आमने सामने आ गई है। वहीं ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सड़क पर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया और जनता अधिकारी साहब की नोकझोंक होने लगी है। जनता का आरोप है कि रूटीन चेकिंग के नाम पर अधिकारी छोटे ऑटो चालक और वाहन पालों को प्रताड़ित करते हैं और परेशान करते हैं। तो कानपुर देहात की तस्वीरें, परिवहन अधिकारी और जनता की नोकझोंक सामने आई है। मामला कुछ नहीं, हम लोग सिकंदराबाद हरियाणा की तरफ अभी आए हुए हैं, तो हमने देखा वहाँ पे ये लोग छोटे ऑटो वालों को भी परेशान कर रहे थे ये लोग। हम लोग वहाँ कुछ नहीं बोले, हरियाणा पे एक साइड में उतरी और ऑटो खड़ा हुआ था सवारी लेने के लिए, इसके साथ इनका गलत व्यवहार देखा, इनके साथ वाले लोगों ने इनको धक्का मार दिया। तब हम लोग उठ के आए, गाड़ी से निकल के देखा कि आदमी को मारा जा रहा, ड्राइवरों को मारा जा रहा, ये गलत चीज़ भाई। आपको कुछ कार्रवाई करनी है, आपको अगर संक्रमण हटाना तो आप आराम से हटवाइए, ये नहीं कि किसी को मार के हटाएंगे। बहुत सुन करके आ रहे थे, इधर मारपीट हो रही थी, हमने देखा तब तक ये आ गए जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने कहा क्या भैया तुमने कहा मार रहे हो उसको, मारते हमने देखा, तब फिर उन्होंने डांटा, वही बहस होने लगी, अभी तक भैया में जो है बात बात सुलझा। कौन लोग मार रहे थे? अरे जो उनके साथ गार्ड थे, जो भी हो, किस बात को लेकर के मार रहे थे? अभी हम तो भाई उधर से आए थे, देख नहीं पाया किस लिए, हम उनके गार्ड साथ में थे, उनसे बहस हो रही थी, क्या हुआ ये हमें जानकारी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।